Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. कलर्स करना शुरू करते हैं थोड़ा सा ना स्ट्रोक को इधर से मैं वाइट कर लेता हूँ ये देख लो ठीक है। अब इसको जो है ना इधर से शिफ्ट W प्रेस करूँगा शिफ्ट W इधर से थोड़ा सा मैं सॉरी नॉट इधर से हल्का सा मैं स्ट्रेच करूँगा इधर से मैं इसे मजीद ये आपको ऑलरेडी टूल मैंने बताया हुआ इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा आज। शिफ्ट W इस कॉर्नर पॉइंट से पकड़ के मैं इसे थोड़ा वाइट करूँगा इधर से मैं इसे स्ट्रेच कर लूँगा ठीक है। फिर शिफ्ट W अब ये थोड़ा सा कॉर्नर के ऊपर नहीं एग्जैक्ट इधर शिफ्ट W ठीक है इधर से इसे वापस जैसे थे। अच्छा अब हम नीचे आते हैं किधर इस जगह पे ठीक है शिफ्ट W इस सेंटर से थोड़ा सा स्ट्रेच कर वाइट इधर से हल्का सा ऐसे इधर से हल्का सा ऐसे ठीक है। अब इसको कैसे ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम लोग शिफ्ट W इधर हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ठीक है और इसको हम लोग कर लेते हैं स्ट्रेच ठीक। अब शिफ्ट W इधर से शिफ्ट W प्रेस करके इनको मैं थोड़ा थिन कर लेता हूँ ठीक है। अब शिफ्ट W प्रेस करके मैं क्लोज कर लेता हूँ ठीक है। अच्छा जी अब हम आते हैं इस पर शिफ्ट W ये शिफ्ट W सिंपल ये विड्थ टूल को यूज़ करो खास चीज़ नहीं है ठीक है मतलब इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। शिफ्ट W अब लोगोज में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आइडिया जनरेशन की कितने जल्दी आपके माइंड में आइडिया आता है जब आइडिया आ जाए उसको एग्जीक्यूट करने में फिर आपको सॉफ्टवेयर आता हो तो फिर टाइम नहीं लगता ठीक है फिर आप जल्दी कर लेते हैं शिफ्ट W इनको बल्कि हम इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं इनको बाद में कर लेंगे ठीक है। तो वाइड हो गया हल्का वैसे कम करते हैं ठीक है। अच्छा अभी ये रहेगी है इसको हम शिफ्ट W प्रेस करके पहले इसकी स्ट्रोक साइज बढ़ा देते हैं दो पॉइंट्स का ठीक है। अब इस कॉर्नर ये देखें ये पॉइंट है इस पॉइंट को इधर कॉर्नर में जाके मैं ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्चुअली थोड़ा सा इसको इधर से स्ट्रेच करना है कॉर्नर पॉइंट से देखिए नहीं आ रहा है चलें इसको बाद में आज लास्ट राउंड में सेट कर लेंगे। इसको दो पॉइंट्स बड़ा कर दिया अब शिफ्ट W से इसको इधर से लॉक करके इधर से चलें ऐसे कर लेंगे इस पॉइंट से भी हमने इसी तरह करना है शिफ्ट W से इसको स्ट्रेच करके इधर से हम लोग ने इसे लॉक कर देना ठीक है। अच्छा जी अभी ये वाली डायग्राम एरिया इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इसको दो स्ट्रोक्स इसे भी दे दी इसके साथ कनेक्ट अब ये कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है मतलब आपने लाइंस को प्रॉपर के साथ जोड़ा हो जिधर जिधर गैप है ये सारे आपके फिल्ड हों फिर जाके आप इसे फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं किसी साइड पर लेके जाते हैं ठीक है। ये हो गया ये हो गया ये ठीक है। अब इसको भी जो है अगर हम हल्का सा कर्व दे दें शिफ्ट सी प्रेस करके इसको हल्का सा रोटेट करके शिफ्ट W और इधर से इसको हम लोग दे देते हैं कर्व शिफ्ट सी प्रेस करके इसको भी हल्का सा ऐसे रोटेट कर लेते हैं शिफ्ट
डब्ल्यू से हम लोग फिर से दे देते हैं कर्व, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग सी, सी बेसिकली होता है सीजर टूल, ये देख लें, ठीक है, सीजर टूल सी को बोलते हैं। इसको जब भी किसी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो डिसकनेक्ट कर देता है उस एंकर पॉइंट को बाकी लाइन से। अब ये देखें, सी मैंने क्लिक किया, ये लाइन डिसकनेक्ट होगी, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसी सारे को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट टॉप की वी प्रेस किया, इसको आगे इसी तरह ले समझ आई। अब ये देखें पूरे एलिफेंट की शेप बन गई है फ्रंट व्यूज का जो था, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करना है, फाइनल लोगो की शेप में डालना है इसका। इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है, ये एक साइड पे जो डिटेल्स ऐसे ही थोड़ी ऑड लग रही है कट करना है, बाकी इसी तरह फाइनल शेप करेंगे इसी की, ठीक है। शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करना है, इसको आप लोग क्या हुआ, थैंक यू। मैंने कहा अच्छा डिजाइन बनाया आपने, नींद मैंने कहा जिनको आ रही होंगे ना वो उड़ गई होंगी, ये लोग भी कर सकते। अच्छा सर, तो ऐसे करना है इसका अंदर फिल कलर थोड़ा ना। अब डेयर का आइडिया हम लोग इस तरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर इधर ही, कि इसकी जो आईज है ना इनका कलर हम लोग कर दें रेड, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लुक इसकी थोड़ी सी हो जाएगी फियर वाली, ठीक है। लेकिन हमने जो आइडिया उठाया है वही तो हम इंक्लूड करेंगे, ये उठा के डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करके इसी वाले प्रेस करते हैं ऐसे, और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ये हमने कर लिया। जैसे सारे टूल्स जो आपको बताए मैं उन्हीं से ये काम कर रहा हूँ, कोई इतना बड़ा कोई लादा टूल हम लोग यूज नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब अभी आप जितने टूल सीख चुके हैं उनसे ये काम हो सकता है, मेहनत करें हमें। चीज होती है डिजाइन बेसिकली नाम है परफेक्शन का, जब तक आपको लगता नहीं है कि यार एग्जैक्ट वही चीज बन रही है और वही जो मैं चाह रहा हूँ वही चीज है, तब तक आप उसको छोड़ते नहीं है, उस पर काम करते हैं। क्या हुआ इमरान भाई, 10 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं इसे खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। असल में टूल्स भी साथ साथ इन्हें बताने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी शेप बन गई, इसको हम लोग करेंगे ग्रुप कंट्रोल जी ग्रुप। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, एक कॉपी हमेशा जब भी कोई फाइनल शेप होती है उसके साथ आप रख लिया करें, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट में जाके, अभी बेसिकली ये आउटलाइंस है, आउटलाइंस का क्या मतलब है कि इनका साइज छोटा करूंगा। अब देखें कितनी वीयर्ड शेप इसकी हो गई, खराब हो गई सारी शेप, ठीक है। अभी शेयर लग रहा है, अभी ये देखें इसको इधर ही रख के इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करूंगा, ठीक है। अब इसका साइज बेशक मैं छोटा करूं बड़ा करूं इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखें मतलब जिस तरह मैंने उस साइज में डिटेल थी ये छोटा किया, ओहो एक सेकंड ये कोई आउटलाइन हमारी मिसिंग है, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ओके, अभी मेरे ख्याल से सारी, हाँ बिल्कुल अभी सब ठीक हो गया, ठीक है। इन सब को ऊपर ले जाएं, इन सब को इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दें, इधर से थोड़ा सा ऐसे ही कर दें, ऐसे पॉइंट्स को जाना, ठीक है। इधर आप फिलहाल चलना इसको इतना ही रखते हैं, अब दूसरी शेप पे आते हैं हमारी, इन शेप्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये इधर से ऐसे ले आए टॉप पे, इनको आपस में या इन दोनों को आप ऐसे हाईलाइट करें, दो एंकर पॉइंट्स को राइट क्लिक ज्वाइन, ठीक है। एक सेकंड, इस पे जाके शिफ्ट, इस पे जाके राइट क्लिक
एवरेज ओके इस पे जाके या इन दोनों को इकट्ठा हाईलाइट करके देखते हैं एवरेज ओके नहीं इकट्ठा नहीं होगा टॉप वाले दोनों को एवरेज करना पहले ठीक है सॉरी बॉटम वाले दोनों को एवरेज ये जस्ट उन दोनों को उठा के एक पॉइंट पे ले आता है इसी तरह ये ऊपर वाले सारे कर लेंगे फिलहाल इनको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक अनग्रुप करके रैंडमली ऐसे टॉप पे ले जाता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम इसको भी उठा के ठीक हो गया अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है फाइनल आइडिया की तरफ लेके जाना है फाइनल हमारा वो क्या है ट्राइंगल जो कि डेंजर के साइन को इंडिकेट करता है रेक्टेंगल सॉरी नॉट रेक्टेंगल इधर से आपने उठाना है पॉलीगॉन टूल पॉलीगॉन टूल से लाइन ड्रॉ लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने इसका साइज छोटा करना है छोटा करने के बाद इसको आपने ये शेप में जाना है इधर से आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स किधर गया इधर से कॉर्नर पॉइंट्स आपने करने थ्री ट्राइंगल बन जाएगा ट्राइंगल बनने के बाद आपने इसे करना है इधर से आउटलाइन आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे ऐसे करने के बाद इसकी स्ट्रोक का साइज बढ़ा दें ठीक है स्ट्रोक का साइज बड़ा कर लिया अब ए दबा के इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हल्का सा राउंड कर लें अब इसको अनसेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप में जाके इन सारों का साइज छोटा कर लें सॉरी सारे को सिलेक्ट करके इसको जाके कंट्रोल जी ग्रुप कंट्रोल जी से ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएंगे ठीक है इधर से आप इसे टॉप पे ले जाएं इससे जगह पे इस पे कलर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया अभी तक ठीक है इसमें इधर से आप इसको अब इसको जो है ना अगर हम इसको इतना ही रखें ना इतना जस्ट ये टांगों से नीचे इतना पोर्शन तो भी ठीक है इसको आप इधर प्लेस करें इसका आउटलाइन का सॉरी इसका कलर आप लाइक कर दें रेड अंदर से आपने कोई कलर नहीं करना इसमें जो है इसको मैं नीचे ले आता हूँ इधर एक कॉपी इसी की ना अब इसमें जाके मैं इधर देखना है आपने ये थोड़ी सी नई चीज़ है ये आप लोगों ने गौर से देखनी है ठीक है किधर गया है शेप बिल्डर से ये हम लोग कर लेते हैं इधर से ये शेप ठीक है वी प्रेस करें अब ये जो शेप बिल्डर से जितनी शेप्स बनाई हैं इनको पाई निकाल लेते हैं एक सेकंड राइट क्लिक अनग्रुप ये अच्छा जी ये हो गया अब इस सब को हम लोग उठा के साइड पे ले जाते हैं क्या है यार इधर से ये ग्रुप हो गई है ये इनको अन ग्रुप पहले कर लेना है ठीक है अब रेड कलर भी बेसिकली खुद एक डेंजर का एक चीज हमारे में चीज साइन होता है ठीक है अब देखें इसको हम लोग साइड पे करते हैं इसको हम लोग इधर ले जाते हैं ठीक है अभी ये देखें एलिफेंट की जो लुक हमने बनाई हुई थी वही लुक हमारे पास आ गई है जस्ट रिफ्लेक्ट को सॉरी हमने पाथ फाइंडर को यूज़ किया इधर से जो जो चीज़ें थोड़ी सेट करने वाली हैं वो सेट करके फाइनल इसकी लुक को इसके अंदर मर्ज करके अब इसके अंदर क्या करना है इसके ऊपर एक डाल लेते हैं स्ट्रोक और स्ट्रोक को हम रखते हैं इधर से अपीयरेंस में जाके आप स्ट्रोक को ले जाएं सॉरी इधर से स्ट्रोक ना डालें अपीयरेंस ही डाल लेते हैं ठीक है इसको सिलेक्ट किया अपीयरेंस में जाके ये आपने स्ट्रोक डाल ली इस स्ट्रोक को आप लोग ले जाएं इधर से उठा के लास्ट पे ठीक है लास्ट पे ले जाएं इसका कलर आप लोग कर दें वाइट ठीक है अब इसको जो आप लास्ट पे ले जाएं अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको इधर ही रहने देते हैं टॉप वाले का ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसको थोड़ा सा हम लोग इधर ले जाते हैं ठीक है ऐसे करके अब ये जो नीचे इससे नीचे नीचे पोर्शन है इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं इससे नीचे दे इसको 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 ऑल्ट दबा के ये ख़त्म कर दिया ठीक है जस्ट ये वाला पोर्शन रख लिया इसको फिलहाल शेप को साइड पर कर दें इसको आपने
आंखें थोड़ी सी सेट करने वाली हैं, असल में टाइम हमारे पास कम होने की वजह से थोड़ा थोड़ा जल्दी काम होगा, इसको हम लोग कर देते हैं ये, ठीक है। इधर से आप उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो आप करें कंट्रोल जी ग्रुप, और ग्रुप करके अब प्रेजेंटेशन फाइनल इसकी लोगों की किस तरह जाती है, ठीक है। शिफ्ट ओ प्रेस करें, शिफ्ट ओ बेसिकली पेज साइज को एडिट करने के लिए, ठीक है। इसका साइज सॉरी, इसको हमने पहले एक्सपेंड कर लेना है, साइज थोड़ा सा बड़ा करके दिस वन, इसको राइट क्लिक अनग्रुप करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके स्ट्रोक का, ठीक है। अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक अरेंज लिंक, क्या हो गया, पहले इसको गर्म ऐसे कर लें, ऐसे भी वैसे ठीक आएगी, लेकिन फिलहाल हमने जो सोचा हुआ है उसी के मुताबिक चल रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, अच्छे एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रोक है ना, इसका साइज हल्का सा बड़ा कर देते हैं, और इसको हम लोग बैक पे ले जाते हैं, इसको हम लोग ले जाते हैं बैक, ठीक है। अच्छा ये इनर स्ट्रोक भी है, चलें इतना ही हम लोग इसको रखते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको भी हमने एक्सपेंड करना है, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, ओके। बस एक मिनट और, शिफ्ट ओ, इसको इधर, इसको ग्रुप किया, साइज छोटा किया, कलर्स थोड़े से इसके अगर डिफरेंट कर लें, ऑरेंज कलर कर लें थोड़ा, ये वाला सॉरी फिल कलर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, वो ज़्यादा विजिबल होगा। डिटेल्स भी या इसको फिलहाल इसी तरह ही रहने देते हैं जिस तरह है, छेड़ना नहीं है क्योंकि टाइम। अच्छा अभी एलिफेंट टेक्स्ट हम कैसे ऐड करते हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल टी लिखेंगे, या ये टेक्स्ट टूल से आप इधर लिखें ई एल ई पी एच, ई एन टी होता है, ए एन टी होता है, ठीक है। इसमें जाएं, कोई अच्छी सी फॉन्ट इधर से इसके मुताबिक, फॉन्ट स्टाइल भी बेसिकली आपने वो पिक करना होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके डिजाइन को। रेलवे की जगह पे हम थोड़ा सा मीडियम सेमी बोल्ड एलिफेंट, और इसके बाद डी एन डी, बल्कि डेंजर डेंजर एलिफेंट हमारा मेन होता है, डेंजर को इससे साइड पे करना है, साइज छोटा कर लें, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, इसको करना है, एलिफेंट पे क्लिक करें, इसको ऐसे करना है, वन कलर डिज़ाइन हमारा तैयार है, ठीक है। ये बेसिक आइडिया बना के मैंने आप लोगों को दिखाया है स्केच करके, इसमें अभी कोई चीज़ समझ ना आई है, ये बस हमारा फाइनल डिज़ाइन इस तरह प्रेजेंट करते हैं, थोड़े से टच होता है वो आपको ऐसे ऐसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा साथ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा, जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहन में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज को प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।